इंदौर में भूमाफिया और नाबालिग बच्चों के साथ मारपीट करने वाले बदमाश मुख्तियार पर लगातार पुलिस को किए गए कब्जे और उससे सताए हुए पीड़ितों की शिकायतें मिलती जा रही हैं। इसी के चलते पुलिस ने अब तक मुख्तियार पर कुल 12 धोखाधड़ी के मामले दर्ज किए हैं। वहीं नाबालिग बच्चे के साथ मारपीट करने के मामले में पुलिस ने अपहरण सहित पास्को एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस ने मुख्तियार से एक अवैध पिस्टल भी बरामद की है। पिछले दिनों विजयनगर पुलिस ने एक पीड़ित की शिकायत पर भूमाफिया मुख्तियार पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया था। सोशल मीडिया पर मुख्तियार का एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें एक नाबालिग बच्चे को मुख्तियार ने बेरहमी से पीटा था। जैसे ही मुख्तियार की खबर मीडिया में प्रकाशित हुई, लगातार फरियादी पुलिस से संपर्क कर रहे हैं। इसी दौरान पुलिस ने लगभग 12 अन्य और भी धोखाधड़ी के मामले मुख्तियार पर दर्ज किए हैं। वही शिकायत के बाद भूमाफिया मुख्तियार द्वारा लगभग 44 से अधिक लोगों को पिस्टल दिखाकर डरा धमका कर अवैध कब्जे किए थे। पुलिस ने भूमाफिया मुख्तियार से एक अवैध पिस्टल भी बरामद की है, जिसके बारे में पुलिस पूछताछ कर रही है। फिलहाल पुलिस लगातार मुख्तियार पर शिकायत के बाद प्रकरण दर्ज कर रही है। वहीं मुख्तियार द्वारा बनाए गए अवैध कब्जों की भी लिस्ट बनाई गई है। जल्द ही अब मुख्तियार के बचे हुए अवैध कब्जों पर भी निगम का बुलडोजर चलाकर अवैध कब्जों पर कार्रवाई करेगी। मुख्तियार के गिरोह अब तक उसके 3 अन्य साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं 4 से 5 अन्य साथी अभी भी फरार हैं, जिनकी तलाश पुलिस कर रही है। मुख्तियार को कई राजनीतिक सपोर्ट था, जिसके चलते मुख्तियार ने प्लॉटों पर कब्जा कर उस पर अवैध अतिक्रमण खड़ा कर उसे किराए पर देता था, जिससे उसकी एक मोटी आमदनी होती थी। अभी पुलिस लगभग 5 और अन्य धोखाधड़ी के मामले दर्ज करने की तैयारी में है। मुख्तियार के खिलाफ अभी तक जो पहले कायमी हुई थी, जिसमें 420-467 में अरेस्ट हुआ था, उसके बाद में लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा अपराध वो पंजीबद्ध हो चुके हैं, जिसमें जब हमने इसको पहले अरेस्ट किया था और इसके खिलाफ कार्रवाई की थी, तो न्यूज़पेपर और मीडिया के द्वारा जो जनता के पास खबर जा रही है, जिन लोगों ने कब्जे कर रखे थे या जिनके प्लाटों पे कब्जे थे, वो लोग वरिष्ठ अधिकारियों के पास उपस्थित हुए, SSP मैडम के पास उपस्थित हुए, जिनके द्वारा उन्हें थाने भेजा गया। अब तक लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा अपराध और पंजीबद्ध हो चुके हैं। सर अभी भी शिकायत करता लगा? हाँ, अभी भी शिकायतें आ रही हैं और शिकायतों की तस्दीक की जा रही है, उसके बाद अगली कार्रवाई की जाएगी। सर सभी धाराएं किन मामलों में लगभग सभी तरह अभी तक में सारा उनकी मॉडल सप्लेंडी जो थी उसमें ये था कि कुछ प्लाटों को देख लेते थे कि इसमें बेचने वाला की डेथ हो चुकी है, तब ये कोई बारिश पैदा कर लिखा पड़ी या फर्जी एग्रीमेंट रजिस्ट्री तैयार कर लेते थे, और फिर उसके बाद तो ये कुछ इस टाइप से करने लगे कि जो सीधे साधे लोगों को जिनका प्लाट ले लिया था इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, बाद में आए नहीं बहुत दिन तक, इन्हें कब्जा कर लिया और जब लोग आते थे तो उनको हथियारों के बल पर धमका कर भगा देते थे। तो लगभग 7 से 8 प्रकरण इस प्रकार के कायम हुए हैं कि जिसमें उन्होंने गुंडों ने डरा धमका कर भगा दिया था और प्लाट तो कब्जे कर लिए। सर इस ग्रोह में कितने लोग शामिल हैं? लगभग 5 से 7 लोग के खिलाफ अभी शिकायतें मिली हैं और इसमें हमने कार्रवाई करी भी है, और इसमें जो मुख्तियार है उससे हमने अभी इन्वेस्टिगेशन के दौरान PR अवधि में वो पिस्टल भी बरामद कर ली है, जिसमें के आधार पर लोगों को धमकाता था और प्लाट कब्जे करता था। सर इसमें अब तक कितने लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और कितने लोग अभी फरार हैं? तीन लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, तीन या चार लोग और अभी तलाश की जा रही है। चलिए, इतना बड़ा डॉक्यूमेंट्स बना लेना फर्जी तरीके, तो कहीं ना कहीं कोई अधिकारियों की मिली भगत थे या इसके आगे कुछ पूछताछ में पता चला है और भी कुछ नाम सामने आया? अभी तो इन्वेस्टिगेशन जारी है, इन्वेस्टिगेशन में कुछ तथ्य आएंगे उसके आधार पर हम जो अन्य डिपार्टमेंट हैं उनसे भी संपर्क करेंगे और उनसे जांच करवाएंगे, उसके बाद अगर कोई दोषी पाया जाए तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर मुख्तियार अब तक कितने कब्जों को निगम द्वारा तोड़वाया गया और कितने बाकी हैं? पहले जो था उसमें तो उसके काफ़ी जो उसके खुद के द्वारा बताए गए थे कब्जे, उन कब्जों को तोड़ दिया गया है और निगम द्वारा, और साथ ही अब जो फिर से नई लिस्टिंग की जा रही है जिसमें जो नए फरियादी आ रहे हैं और जो जनता ने गोपनीय रूप से जानकारी दी है उसके आधार पर फिर से लिस्टिंग की जा रही है, जिसके खिलाफ लेख किया जाएगा और फिर तदनुसार वैधानिक कार्रवाई की।